हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब अपडेट रिक्रूटमेंट के ऊपर वीडियो पाने के लिए प्लीज़ गवर्नमेंट जॉब इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट अपडेट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत ही मिल जाए। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रिक्रूटमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक अनाउंसमेंट किया है कुछ पोस्ट के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एंड मोर वैकेंसीज। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट है, सैलरी का आपका 37,400 टू 67,000 पर मंथ। जॉब लोकेशन होगा कुरुक्षेत्र, हरियाणा। लास्ट डेट जो है 16 अप्रैल 2018। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है जाके आप लोग पूरा डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ जहाँ पे पब्लिश हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड मोर वैकेंसीज इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2018। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हैज अनाउंस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट रजिस्टर एंड मोर वैकेंसीज। एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन बिफोर 16 अप्रैल 2018। स्टेनोटाइपिस्ट का पोस्ट है, क्वालिफिकेशन चाहिए एनी ग्रेजुएट, असिस्टेंट रजिस्टर के लिए एनी पोस्ट ग्रेजुएट सॉरी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए एनी पोस्ट ग्रेजुएट। जॉब लोकेशन कुरुक्षेत्र। टोटल वैकेंसी है 54 और लास्ट डेट है इसका 14 अप्रैल 2018। जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है जाके आप लोग पूरा डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। ये अपडेट मेरे पास आया हुआ था तो मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के लोगों को शेयर करना, ताकि वो लोग भी अप्लाई कर पाए अगर वो इंटरेस्टेड है एंड एलिजिबल है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।